खबर बुरहानपुर जिले से है, जहां एक दिवसीय बुरहानपुर दौरे पर पहुंचे आईजी अनुराग ने पुलिस कंट्रोल रूम में लोकसभा चुनाव के चलते पुलिस की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में आईजी ने कहा कि हमारा दायित्व है कि इलेक्शन निष्पक्ष, फ्री और फेयर हो, इसके लिए पुलिस की तैयारियां पुख्ता हो। इसके साथ ही आईजी अनुराग ने कहा कि महाराष्ट्र से लगा जुला होने के कारण हमने महाराष्ट्र पुलिस को अपने यहां के अपराधियों की सूची दी है और उन्होंने वहां के अपराधियों की लिस्ट शेयर की है। अब हम टीम बनाकर काम कर रहे हैं और चुनाव के समय बॉर्डर सीलिंग भी करेंगे। बुरहानपुर से गोपाल देव का रिपोर्ट। पिछली बार विधानसभा में तो ऐसा था कि सिर्फ हमारे यहाँ इलेक्शन था, महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं था, बट अभी तो पूरे देश में इलेक्शन है, तो वो सारी जिम्मेदारी एक दूसरे का है और एक टीम के रूप में हम लोग काम करते हैं। बॉर्डर पर हमने इंटरस्टेट नाका हम लोगों ने डिसाइड किया लगाने के लिए, और वो इंटरस्टेट नाका जब हमारे यहाँ इलेक्शन होगा तो वो हमें हेल्प करेंगे, उनके यहाँ इलेक्शन होगा तो हम हेल्प करेंगे। जो हमारे यहाँ के वारंटी उनके पास हैं, हमारे उनके वारंटी हमारे यहाँ आके छुपे हुए हैं, तो हमने वो लिस्ट शेयर कर चुके हैं और उस लिस्ट के आधार पे हम लोग टीम बना के उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग मुस्तैद हैं, बॉर्डर सीलिंग भी करेंगे जिस दिन इलेक्शन होगा, और पूरी तरह से तैयार हैं कि हम इलेक्शन अच्छे